ट्रैवल एक छोटा सा वर्ड है जिसकी डेफिनेशन हर किसी के लिए अलग होती है। खैर, मेरे लिए पर्सनली तो ट्रैवल का मतलब यही होता है। ये कहानी है जब हम चार दोस्त बारिशों के मौसम में निकल पड़ते हैं चंबा हिमाचल प्रदेश को एक्सप्लोर करने के लिए। इसमें नहीं तो मुझे लग रही है ना भाई। आप कई बार इससे बहुत स्पाइसी खाते हो, आपको नॉर्मल लगता है, मुझे ना इसलिए समझ में आता है कि कितना स्पाइसी स्पाइसी है। नहीं नहीं, कहानी की शुरुआत होती है एक खूबसूरत से रोड ट्रिप के साथ जो हम करने वाले थे गुड़गांव से डलहौजी तक की। चलो भाई, भगवान का नाम लेकर के ट्रिप शुरू करते हैं सांचे दरबार की। और मेरे साथ लव जा रहा है, आरुषि जा रही है, और अभी दो दो रूपाली आने वाली है। अभी सबसे पहले जो सबसे बेसिक रिचुअल होता है, गाड़ी का टैंक फुल करा लिया है मैंने, और एक बार एयर प्रेशर चेक करा लेंगे। और सबसे पहला स्टॉप हमने ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद नीलकंठ स्टार करनाल में लिया। क्या बात है, क्या बात है, कैसा है? फाइनली सुबह हो चुकी है और अभी जस्ट हमने जलंधर क्रॉस किया है। काफी सही टाइम और स्पीड के साथ हम बढ़ते आए हैं। ड्राइवर का आदान प्रदान हो चुका है, लव आ चुका है ड्राइविंग सीट पे, क्योंकि मैं रात में ड्राइव कर रहा था तो अब थोड़ा सा रेस्ट मोड पे जा रहा हूँ। और ये पीछे हमारी लड़कियाँ अभी बस हेलो हाय कर रही है, नहीं तो मस्त सो रही थी। पंजाब में ग्रीनरी के अलावा जो दूसरी सबसे अच्छी चीज लगती है वो है यहाँ के हाईवेज। ड्राइव करने का अलग ही मजा है। बहुत ही प्यारा वेदर हो रखा है, हल्की हल्की सी बारिश स्टार्ट हो गई है। हम पहुंच चुके हैं पठानकोट, ऑलमोस्ट पठानकोट से भी हम आगे निकल चुके हैं। टायर प्रेशर देखा थोड़ा सा कम लग रहा था, अभी थोड़ा सा रीचेक करके सब में ओके ओके सा कर ले रहे हैं। और यहाँ से फिर अब हमें पहाड़ी रास्ता मिलेगा, ऑलमोस्ट 2 घंटे लगेंगे हमें डलहौजी पहुँचने में। टाइम ऑलमोस्ट 11 बजने वाला है और हम डेस्टिनेशन में पहुंच चुके हैं। 2 दिनों के लिए हमने एयरबीएनबी बुक किया है। एक्टिंग नहीं की। आंदो आंदो आंदो। दोनों ऐसे कैसे घुमाओ टायर? लोकेशन बहुत प्यारा है यार, बहुत ही प्यारा। नॉट फॉर एनी प्रमोशन बट मैं इस प्रॉपर्टी की जितनी भी तारीफ करूँ ना शायद कम होगी, आप और उसे ही सुन लो। मेरे सिलेक्शन सब लोगों ने देख लिया है, कोई कमेंट भाई? Awesome. क्या है? टाइम ऑलमोस्ट 5 बजने वाले हैं शाम के, तो आज का बहुत ज़्यादा हमने कुछ एक्टिक रखा नहीं। पास में ही हमारे मॉल रोड है तो अभी हम पहले एक बार मॉल रोड जाएंगे, विजिट करेंगे। कहते ना अलग ही खुशी मिल गई है ऐसे जगह पे आकर के। यहाँ पे हम मॉल रोड में, ये क्या है? कुल्लड़ मैगी एंड कुल्लड़ पिज्जा, तंदूरी चाय। मौसम बढ़िया है, मौसम बढ़िया है, अल्टीमेट। और यहाँ का मॉल रोड अच्छा है, बहुत ही अच्छा है यार। बिल्कुल ऑप्शंस इतने हैं ना बाहर, और यूनिक ऑप्शंस ये देख, कुल्लड़ मैगी, कुल्लड़ नाइस।
अब मॉल रोड का काम खत्म करके हम जा रहे हैं अपने एयरबीएनबी पे, अब करेंगे पार्टी। हमारे ट्रिप की सबसे खूबसूरत सुबह कुछ इस तरह की थी। When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. All the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are fine. मॉर्निंग को अच्छे से एंजॉय करने के बाद हम निकल पड़ते हैं यहाँ के सबसे खास डेस्टिनेशन खजियार के लिए। बहुत ही शानदार रास्ता है, ऑलमोस्ट एक घंटे का है। इस टाइम पे तो मुझे नहीं पता थ्रू आउट द ईयर कैसा रहता है, बट इस टाइम पे बिल्कुल ग्रीन है, बिल्कुल ही ग्रीन। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन खजियार। ठीक तो करते, वो पहले से टूटा हुआ है, देख बाकी सारे सील्ड है। ये तो एपिक था बहुत ही। भाई ऐसे नहीं करते यार, कर्सिव हो गया खजियार इन कर्सिव नाउ। तो अभी मस्त फोटो सेशन चल रहा है और जगह तो भाई लाजवाब है, लाजवाब सीरियसली। ये एक कश्मीर में एक जगह है भाईसरन, ऑलमोस्ट बिल्कुल वही वाला फील दे रहा है। इसमें एक एडिशनल चीज क्या है कि यहाँ पे हमारे पास लेक भी है। ये बढ़िया फोटोज कराने के बाद अब टाइम है कुछ खाने पीने का, भूख लग गई थी। एक पूरा कंप्लीट राउंड लेंगे इसका, खाने के लिए बैठे हैं बहुत ही प्यारा व्यू के साथ। सोचा तो था मैंने कि इस जगह को बहुत अच्छे से ड्रोन से कवर करूंगा, बट यहाँ पे पता चलता है कि ये नो फ्लाई जोन है, पता नहीं क्यों। ब्यूटीफुल लोकेशन, ब्यूटीफुल व्यू, मजा आ गया। तो वी हैव कम टू अ प्लेस कॉल्ड बीजीज पार्क, ये नाम है। शायद कुछ इंपॉर्टेंस है इस जगह का, एक बार चेक करते हैं, कहीं लिखा हुआ मिलेगा तो पढ़ के बताएंगे आप। सेंट फ्रांसिस चर्च है, तो एक बार देखने के लिए आए हैं। मौसम बिल्कुल क्लाउडी सा हो गया, हल्की हल्की बारिश हो रही है। भाई मजा आ गया, एकदम मस्त। अपना किचन बाहर ही लग गया है। मिर्च बहुत है इसमें? नहीं तो आप कई बार इससे बहुत स्पाइसी खाते हो, आपको नॉर्मल लगता है, मुझे ना इसलिए समझ में आता है कि कितना स्पाइसी स्पाइसी है। ही नहीं मिर्च। कल पूरी रात तेज बारिश हुई है। वेलकम बैक, आज हमारा है डे थ्री इन द लॉजी, और आज हम इस खूबसूरत से प्रॉपर्टी को छोड़ करके कुछ अलग से जगह पे जाने वाले हैं, वो आपको आगे देखने को मिल जाएगा। कल पूरी रात बारिश हुई है और बहुत तेज बारिश हुई है, तो थोड़ा सा तो कहते हैं ना सतर्क होकर के चलना है, और कोई भी रिस्क लेने वाला सीन करना ही नहीं है। देखते जाएंगे, अगर रोड्स वगैरह बिल्कुल क्लियर रहते हैं, सब कुछ सही रहता है। वैसे तो मैंने फ़ोन पर के बात किया भी था होटल में, उन्होंने बताया कि ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, तो उसी के अकॉर्डिंग जाएंगे। और आज हमारे साथ जो लव है, आज उसका बर्थडे है, कल रात में भी हमने सेलिब्रेशन किया था, तो आज पूरा डे है उसके लिए काफ़ी स्पेशल है, और उसको कैसे और स्पेशल बना सकते हैं उसके लिए हम लगे हैं। लेट्स सी, जैसा भी होता है। आज हम विजिट करने वाले हैं चमेरा लेक। कुछ नजारे हार्ड टू बिलीव होते हैं, और जो हमारे सामने अभी दिख रहा है पता नहीं कैमरे में कितना जस्टिस कर रहा है, नहीं कर रहा है। आय हाय हाय हाय,
तो फाइनली हमने गाड़ी को पार्क कर दिया है और हम जा रहे हैं अपने बोटिंग पॉइंट। अच्छा, ये अलग से जोस्टल वालों ने एक पिकअप पॉइंट बना रखा है भाई। स्पीड बोट बोला था, ये चप्पू वाला नौका है। तो ये है हमारी स्पीड बोट, जिस स्पीड बोट, स्पीड अच्छा बोट। स्पीड बोट नहीं, लेकिन जो भी है स्पीड बोट लगे। कितना टाइम लगता है भैया? 15 मिनट। बढ़िया सा वाइड रूम है और इसके साथ जो व्यू है वो बहुत ही शानदार है यार, बहुत ही शानदार, मतलब दिल खुश हो गया। इसके अलावा दिस इज द वॉशरूम जो कि बहुत ही स्पेशियस है। ऊपर दरवाजे में इतनी ठंड थी कि नहाए नहीं थे, अब यहाँ पे खैर पूल भी है। एंड दिस इज द बालकनी, और बालकनी से भी सामने का नज़ारा, आए हाय 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 भाई, यहाँ तक आना अलग ही एडवेंचर है। रोड ट्रांसपोर्ट है ही नहीं यहाँ पे आने के लिए, आपको बोट से आना पड़ता है। 15 मिनट का एक तरीके से आपका बोट जर्नी है। एंड जस्ट लुक एट दिस प्लेस यार, गजब। कुछ ऐसा ही फील होता है जब आपका एक खूबसूरत ट्रिप एंड होने वाला होता है। तो इसी तरीके से हमारा यह डलहौजी का ट्रिप यहाँ पे ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आया हो तो किसी ना किसी तरीके से मुझे ज़रूर बता देना, और ऐसे ही कंटेंट के लिए डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।